Friends, today in this video I will explain you the chapter Helen Keller. ये chapter class 4 English NCERT का है और जो Helen Keller है ये एक real story पर based है ये chapter. तो आइए इस chapter को समझते हैं, काफी अच्छा chapter है ये. इस video में मैं आपको इस chapter का हिंदी explanation समझाऊंगा. It was the summer of 1880. ये कब की बात है? ये 1880 1880 गर्मियों की बात है. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. एक healthy baby मतलब एक स्वस्थ बच्ची जन्म लेती है एक छोटे से शहर अलबामा में. Her parents loved her dearly. जो उसके parents थे, उसके मम्मी पापा जो थे, वो उसको बहुत प्यार करते थे. And named her Helen Keller. और उसका क्या नाम रखते हैं वो? Helen Keller. But one day, एक दिन क्या होता है? The baby become ill. जो बच्ची थी वो बीमार हो जाती है. Ill माने बीमार होना. And day after day, her fever stayed high. और दिन ब दिन उसका जो बुखार था वो बढ़ता जा रहा था. Everyone in the family tried to help her to get better. और फैमिली के सारे लोग उसकी हेल्प करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बेटर हो जाए, ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए. बट पर ऑल दे कुड से वाज देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू. और वो आखिरी में बस यही कहते हैं कि इससे ज्यादा अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं. द बेबी मे नॉट लिव. अब ये बच्ची है, शायद ये अब जिंदा नहीं रहेगी. हेलेन लिव्ड. पर हेलेन जिंदा रहती है. But she was not the same after illness. पर वो बीमारी के बाद वैसी नहीं थी जैसे वो पहले थी. उसमें कुछ changes आ गए थे Helen Keller में. Something is very wrong. कुछ बहुत कुछ गलत था उसमें. Something is very wrong. Her mother said. उसकी मम्मी कहती है. At last they found out what was wrong. और last में उसे उनको पता चलता है कि इसके साथ क्या गलत हुआ है. The child could not see or hear. जो बच्ची थी वो Helen Keller ना ही वो देख सकती थी. See मतलब देखना और hear मतलब सुनना. मतलब बीमारी के बाद वो ना ही देख सकती थी ना ही सुन सकती थी. The child could not see or hear after illness. बीमारी के बाद उसमें जो changes आए, जो इसमें बता रहे हैं कि something is very wrong with her, she has changed. तो उसमें क्या changes आए थे? कि after illness she could not hear or see. The baby grew into a little girl. और जब वो छोटी थी फिर धीरे धीरे obviously बड़ी होगी तो वो एक little girl बन गई थी. Her parents felt sorry for her. और उसके parents को बड़ा दुख होता था उसके लिए. Helen often cried and held on to her mother. और जो Helen थी वो रोया करती थी और अपनी माँ से माँ के पास रहती थी. Give the poor child what she want, her father would say. और उसके पापा क्या कहते थे? कि जो भी इसको चाहिए वो इसको दे दो, her father would say. Though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. जबकि Helen देख नहीं सकती थी ना ही सुन सकती थी, पर फिर भी वो एक bright little girl थी. मतलब वो intelligent थी. Some people thought Helen could not learn anything. कुछ लोग ये सोचते थे कि Helen कुछ नहीं सीख सकती है. Some people thought Helen could not learn anything. कि Helen कुछ भी नहीं सीख सकती है. Her mother did not agree. पर उसकी माँ इस बात के लिए agree नहीं होती थी. Helen is very smart. हेलेन क्या है? बहुत स्मार्ट है. सी सेड एंड एडिड. और उसकी माँ हमेशा, किसकी माँ? हेलेन की माँ हमेशा ये कहती थी कि हेलेन बहुत स्मार्ट है. शी इज अ ब्राइट गर्ल. द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर. कि हम उस तक कैसे पहुँचते हैं? मेन प्रॉब्लम ये है. शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ. उसने अपने आप को अंदर से लॉक कर लिया है. शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ. Helen began to grow wild. अब Helen क्या हो रही थी? बड़ी हो रही थी दिन ब दिन. She would not let anyone comb her hairs. और वो किसी को भी, comb मतलब बाल काटना, किसी को भी अपने बाल को कंघी नहीं करने देती थी. Her clothes
वर ऑलवेज डर्टी, और उसके कपड़े हमेशा कैसे रहते थे, डर्टी माने गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता था। समटाइम्स शी इवन ले ऑन फ्लोर एंड किक हर फीट, और कभी कभी वो क्या करती थी, जमीन पर लेट के किक करती थी, मतलब अपने पैर से किक करती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, उसके पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमें इसके लिए एक टीचर फाइंड करना चाहिए। ठीक है, टीचर एक बहुत अच्छा गाइड होता है जो बच्चों को गाइड करता है, तो उसके पेरेंट्स ऐसा ही कुछ सोचते हैं। मिस सुलिवन अ यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। जो इस चैप्टर में जो टीचर हैं वो है मिस सुलिवन। ठीक है, ये एक यंग टीचर है जो कि एग्री हो जाती हैं, मान जाती हैं हेलन को कुछ सिखाने के लिए और इस दुनिया को दिखाने के लिए। मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल, मिस सुलिवन क्या करती हैं, हेलन को एक डॉल देती हैं और स्पेल आउट करती हैं DOLL डॉल। शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर इन टू द हेलन हैंड, और वो इस तरीके से स्पेल आउट करती हैं अपनी उंगलियों से हेलन की उंगलियों पर। शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इन टू हेलन हैंड। शी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइंस, और वो जो जैसे डी है, क्योंकि हेलन तो सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी पर महसूस कर सकती थी, इसीलिए स्पेशल साइंस से वो उसके हाथों में डी बनाती थी, ओ बनाती थी, डबल एल बनाती थी, जिससे वो महसूस कर पाए। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL टू, वो भी अपने टीचर को कॉपी करके वैसे ही स्पेल आउट करती थी, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। बट हेलन समझ नहीं पाती थी कि उसकी टीचर क्या कर रही है। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवन, और हेलन को मिस सुलिवन पसंद आती थी। शी वाज स्ट्रिक्ट बट काइंड, वो स्ट्रिक्ट थी बट काइंड भी थी, उसके साथ दयालु भी थी। She spelled a lot of words for Helen, और वो इसी तरीके से हेलन के लिए काफी वर्ड्स उसके हैंड पे बनाया करती थी। Day and night to make Helen understand, दिन रात वो उसकी टीचर उसके साथ मेहनत करती थी और उसको सिखाने में पूरी कोशिश करती थी ताकि उसको चीजें समझ आए, to make Helen understand. One day, एक दिन क्या होता है, हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इन टू रनिंग वाटर। एक दिन उसका टीचर उसकी टीचर क्या करती है, उसका हाथ रनिंग वाटर मतलब बहते हुए पानी में रखती है। देन शी स्पेल्ड WATER। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मेंट समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड। तभी एकदम से हेलन समझ जाती है कि वाटर मतलब क्या है, कि कुछ बहता हुआ, वेट मतलब गीला सा कुछ है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड, और वो वाटर समझ जाती है, हेलन उस वर्ड को समझ जाती है। वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, वर्ड वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, और जो शब्द ही है वो उसको सारी चीजें बताते थे जो वो जानना चाहती थी। इस चैप्टर के कुछ न्यू वर्ड्स हैं, जैसे डियरली, जो हमारे बहुत करीबी या बहुत जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमारे डियर और नियर वंस होते हैं। डियरली इलनेस माने होती है बीमारी, बीमार। एग्रीड माने किसी चीज को मानना, इम्पोर्टेंट माने होता है जरूरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।